नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर वॉकथन का हुआ आयोजन। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने दुनिया को कहा अलविदा, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। बिहार में सिर्फ 6 जिले से आए कोरोना के मामले। पटना हाईकोर्ट में राज्यपाल कोटे से मनोनीत MLC के मनोनयन पर हुई सुनवाई। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर वॉकथॉन का हुआ आयोजन। ग्लोबल एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपी स्टेट बिहार बोर्ड के तत्वाधान में बिहार में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर वॉकथॉन का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और प्रख्यात स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर CP ठाकुर ने फीता काटकर वॉकथॉन को रवाना किया। इस दौरान फिजियोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान फिजियोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट और छात्रों ने कहा कि ग्लोबल एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपी की स्थापना भौतिक चिकित्सकों के उत्थान के लिए की गई है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वॉकथॉन का अहम उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। ज्ञात हो, बिहार में आयोजित विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नई दिल्ली एम्स और ग्लोबल एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात रंजन के नेतृत्व में आयोजित की गई इस वॉकथॉन में मुख्य अतिथि डॉक्टर CP ठाकुर, विशिष्ट अतिथि श्री दीपक ठाकुर, समापन समारोह के अतिथि राजद विधायक रणविजय साहू, GAPT बिहार राज्य बोर्ड के कार्यकारी सदस्य डॉक्टर देव बरात, डॉक्टर इम्तियाज आलम, डॉक्टर शबाज खान, डॉक्टर शशि आनंद, डॉक्टर सुशील माधव, डॉक्टर सीमा कुमारी, डॉक्टर सुजीत कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार भी शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने दुनिया को कहा अलविदा, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का निधन हो गया है। आपको बता दें, सदानंद सिंह की तबीयत बीते कुछ दिनों से खराब चल रही थी, आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। सदानंद सिंह की गिनती बिहार के सबसे अनुभवी कांग्रेसी नेताओं में होती रही है। आपको ये भी बता दें कि सदानंद सिंह 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके तहत ही 1990 से 1993 तक जिला कांग्रेस कमेटी के साथ ही भागलपुर के अध्यक्ष रहे। उन्होंने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रहकर जिम्मेदारी निभाई है। वो 10 साल से कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद पर रहे, जिसको लेकर CM नीतीश ने भी शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं उन्होंने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने की बात भी कही है। बिहार में सिर्फ 6 जिले में आए कोरोना के मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 6 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 54 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो दरभंगा में 1, गोपालगंज में 1, मधेपुरा में 1, मुजफ्फरपुर में 1, सुपौल में 1, वेस्ट चंपारण में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा पटना, रोहतास, समस्तीपुर, शेखपुरा, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,29,698 सैंपल की जांच की गई। वहीं 6 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। पटना हाईकोर्ट में राज्यपाल कोटे से मनोनीत MLC के मनोनयन पर हुई सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन राज्यपाल कोटे से मनोनीत किए गए 12 विधान पार्षदों के मनोनयन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ किया कि कोर्ट इन मामलों की सुनवाई कर सकता है। इस बाबत वरीय अधिवक्ता वसंत चौधरी की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि मनोनीत किए गए ये विधान पार्षदों को राजनीतिज्ञों को समाजसेवी माना जाए या नहीं, इस मामले पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता संत चौधरी का कहना है कि इस तरह के मामले में भारत का संविधान के प्रावधानों के तहत साहित्य, कलाकार, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए विशेष लोगों के मनोनयन हो सकता है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश की अध्यक्षता में बीते दिन कैबिनेट बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसके तहत कैबिनेट की बैठक में कुल मिलाकर 17 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है, जिसके तहत ही पंचायत राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के अधीन प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि की स्वीकृति 4,518 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पंचायत में माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के 5,334 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। बिहार औद्योगिक सुरक्षा बटालियन में सृजित पदों के पुनर्नामांकन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। बिहार छोहा अधिनियम 1947 की धारा 8 के अधीन राज्य में उत्पादित छोहा के मूल्य निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बिहार में
ऑनलाइन सेवाएं अंतर्गत की ई मापी में कार्यान्वयन के लिए सभी 534 अंचल 101 अनुमंडल और सभी 38 जिलों के लिए 711 ईपीएस मशीन खरीद करने के लिए 42,66,00,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी अलर्ट जारी करते हुए सूबे के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो एक बार फिर से बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात देश के मैदानी भाग में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि बिहार में भी लगातार बारिश का माहौल देखने को मिल रहा है। ज्ञात हो बीते दिन राजधानी पटना में तेज बारिश हुई थी और आज भी पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वर्तमान में मॉनसून की ट्रफ लाइन बीकानेर, भिलवाड़ा, इंदौर और भोपाल होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। उसके कारण ही प्रदेश में बारिश की संभावना बनती देखी जा रही है। बिहार में निकाय कर्मियों की हड़ताल का आज है दूसरा दिन। बिहार के नगर निकायों में काम करने वाले 30,000 कर्मियों की हड़ताल आज भी जारी है, जिसके तहत पटना सहित राज्य भर के नगर निकायों में बीते दिन से ही निगम कर्मी और सफाई मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद राजधानी पटना की सूरत ही देखने लायक बन रही है। हर कोने में कचरा ही कचरा नजर आ रहा है, जिससे आम लोगों को परेशानी काफी ज्यादा हो रही है। ऊपर से बारिश के कारण कचरों का और ज्यादा बुरा हाल है, जिससे आम लोगों का सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। या तो अपनी मांग को लेकर नगर निगम के लगभग 7,000 कर्मचारी और सफाई मजदूर वर्तमान समय पर हड़ताल पर हैं, जिसके कारण ही लोग अपना कचरा अलग अलग फेंकने पर मजबूर हो गए हैं, जिसके कारण लोगों के आसपास कचरों का जमावड़ा लग गया है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड टेलीकॉम संरचना प्रदाता के रूप में निबंधित। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड टेलीकॉम संरचना प्रदाता के रूप में निबंधित कर दी गई है। इस बाबत बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की तरफ से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1185 के तहत टेलीकॉम संरचना प्रदाता के रूप में निबंधन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, जिसके तहत अब राज्य की ट्रांसमिशन कंपनी विद्युत संरचना के साथ साथ टेलीकॉम प्रक्षेत्र में विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों को अपने ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से दूरसंचार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रदान कर सकेगी। इसको लेकर बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की इस उपलब्धि से न केवल राज्य में संचार आधारभूत संरचना का सुदूरवर्ती इलाके में विस्तार होगा, बल्कि राज्य की संरचना कंपनी को अतिरिक्त आय का स्रोत भी उपलब्ध होगा। सड़क पर दिखा तेजस्वी का अलग अंदाज। राजनीतिक गलियारे में तेजस्वी यादव को लेकर हर रोज चर्चाएं सुनने में आ जाती हैं। इन सबके बीच अब तेजस्वी की मॉर्निंग वॉक वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में तेजस्वी बिना तामझाम के आम नागरिक की तरह ही मॉर्निंग वॉक करते नजर आ रहे हैं। आमतौर पर तेजस्वी कुर्ता पजामा में नजर आते हैं, लेकिन आज सुबह ही उनकी यह तस्वीर बेहद ही खास नजर आ रही है। इन तस्वीरों में तेजस्वी टी शर्ट और ट्रैक पैंट में नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं से भी मुलाकात की, उनसे आने वाली परीक्षाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं मॉर्निंग वॉक के लिए बने ट्रैक के खस्ता हाल को लेकर भी बात की। इस दौरान उनके साथ उनके सलाहकार संजय यादव भी नजर आए और वहां तेजस्वी नारियल पानी पीते भी नजर आए। भाजपा के विरोधियों के साथ मंच साझा करेंगे सीएम नीतीश। बिहार में पिछले कई दिनों से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि बिहार जातीय जनगणना को लेकर सियासत खूब तेज है। ये भी बता दें कि जदयू ने पिछले दिनों राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ही इस बात के संकेत दिए थे कि जातीय जनगणना के मसले पर जदयू पीछे नहीं हटने वाली है। यूपी चुनाव के ठीक पहले नीतीश समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ एक मंच पर नजर आएंगे। नीतीश और मुलायम के साथ इस मंच पर ओम प्रकाश चौटाला भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर 25 सितंबर को हरियाणा में कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। हरियाणा के जिंद में एक बड़ा आयोजन ओम प्रकाश चौटाला करने जा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने बिहार को इथेनॉल का कोटा देने की उठाई मांग। बिहार के इथेनॉल उद्योग को लेकर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बीते दिन राजधानी दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार में लग रहे इथेनॉल उद्योग का पूरा पक्ष उनके सामने रखा और बिहार को ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल का कोटा देने की मांग की है। दिल्ली में इस अहम मुलाकात के बाद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उन्होंने ये बताया कि बिहार में मक्का और इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले अन्य कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता है। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में सरप्लस अनाज में से 125 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन की क्षमता है। 12 सितंबर को अपनी पिता की बरसी के लिए पहुंचे चिराग, आज तेजस्वी से की मुलाकात। 12 सितंबर को रामविलास पासवान की बरसी है, इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान बीते दिन पूरे परिवार के साथ राजधानी पटना पहुंच गए हैं, जिसके बाद चिराग अब अपने परिवार के साथ
पटना में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ज्ञात हो रामविलास पासवान की बरसी के लिए चिराग ने हाल ही में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया है। वहीं पटना पहुंचते ही चिराग ने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। साथ ही आज उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की और उन्हें बरसी में आने का न्योता दिया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने शपथ पत्र में संपत्ति का ब्यौरा गलत दिया तो होगी कार्रवाई। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। इसी बीच अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत पंचायत चुनाव में संपत्ति का गलत ब्यौरा देने वालों पर कार्रवाई होगी। जिसके तहत वैसे लोग जो अपने शपथ पत्र में संपत्ति के बारे में गलत जानकारी देंगे, सरकार ऐसे लोगों पर लोक प्रहरी के माध्यम से कार्रवाई करेगी। इस बाबत पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम चुनाव को लेकर तैयार हैं। पहले उन इलाकों में चुनाव कराए जाएंगे जहां बाढ़ का प्रभाव नहीं है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम होगा, वैसे वैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी चुनाव कराए जाएंगे। इस बार सरकार की नजर भ्रष्टाचार करने वालों पर भी है, जो इस बार चुनाव में नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे उन्हें संपत्ति की घोषणा करनी ही होगी। केंद्र सरकार ने दूर की बिहार की बड़ी मुश्किल। केंद्र सरकार ने बिहार की बड़ी मुश्किल को खत्म कर दिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने बाजार से उधार लेने के मामले में बिहार सरकार को थोड़ी और रियायत दी है। जिसके तहत अब सरकार राजकोषीय घाटा को पाटने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के सीधे 4% तक बाजार की उगाही का काम कर सकती है। इसको लेकर हाल ही में बिहार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मुलाकात की थी। केंद्र ने 0.5% बढ़ाने की इजाजत दी है, जिसके परिणाम स्वरूप ही अब सरकार बिना शर्त और शर्त के साथ राज्य सरकार बाजार से राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% तक उधार ले सकती है। शादी के 9 साल बाद शिखर धवन और आयशा ने लिया तलाक। साल 2012 में शादी करने वाले भारतीय क्रिकेट स्टार शिखर धवन का तलाक हो गया है। हाल ही में किए गए सोशल मीडिया पोस्ट की माने तो आयशा मुखर्जी की दूसरी शादी भी टूट गई है। हालांकि बीते लंबे समय से दोनों के बीच खटपट की खबरें समय समय पर सामने आती रही थी। दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया था। अब इन अफवाहों पर आयशा की उस पोस्ट ने मोहर लगा दिया है, जिसमें उन्होंने एक दिन पहले इंस्टाग्राम पर शेयर की है और शादी टूटने की बात कही है। दोनों का 7 साल का एक बेटा भी है, जिसका नाम जोरावर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले पति से आयशा की 2 बेटियां हैं, जिसके बाद अब शिखर से भी आयशा ने तलाक का फैसला ले लिया है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोरोना के मामलों में आई गिरावट का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।